नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। आज का ये व्लॉग उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो ऑलरेडी जर्मनी आ गए हैं अपने मास्टर्स के लिए, या फिर आगे आने वाले विंटर या समर सेमेस्टर में जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं। तो आज का ये व्लॉग आप लोग एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी मास्टर्स को मैनेज कर सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे अपने इस मास्टर प्रोग्राम को एंजॉय करने में, आपकी स्टूडेंट लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखने में, और साथ ही साथ जब आप जॉब अप्लाई करेंगे तो आपकी सीवी को काफी स्ट्रांग और इम्प्रेसिव बनाने में। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग विद सुमित। फर्स्ट सेमेस्टर सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। यूनिवर्सिटी में एनरोल करना, हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करना, अकोमोडेशन ढूंढना, बैंक अकाउंट को खुलवाना, अपने वीजा को एक्सटेंड कराना, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी का माहौल, इस सभी में आराम से 1 से 1.5 महीना लग जाता है किसी भी स्टूडेंट को सेटलिंग करने में। हालांकि यूनिवर्सिटीज में बड़ी प्रोग्राम होता है और जो बड़ी आपको मिलते हैं नॉर्मली एक जर्मन स्टूडेंट, वो आपकी हेल्प करते हैं इन सभी चीजों को कंप्लीट करने में, पर फिर भी काम आपको खुद ही करने होते हैं। तो इसीलिए आराम से 1 से 1.5 महीना मान के चलिए कि आपको लगेगा ही लगेगा सेटल इन होने में, और जब तक आप सेटल इन होंगे तब आपको पता चलेगा कि अगले 1.5 या 2 महीने बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, और ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे अपना फर्स्ट सेमेस्टर को स्ट्रेस फ्री रखने में, और साथ ही साथ आप अपने एग्जाम्स को भी फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर सकेंगे। पहली टिप, अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ना लें। आप कंपलसरी सब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटी ने आपको सेमेस्टर में ऑफर किए हैं आपके कोर्स के लिए, उन्हीं पर ही फोकस करें और अपनी तरफ से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ना लें। इसके पीछे रीजन ये है कि आपको नहीं पता होता कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके का होगा। हालांकि सीनियर से आप बात कर सकते हैं, सीनियर्स आपको बता देंगे कि कौन किस टाइप का पैटर्न था, क्या था क्या नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका पहला सेमेस्टर है, ऑलरेडी आपका 1 से 1.5 महीना जा चुका है, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, इसीलिए आप फोकस करें अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे। दूसरी टिप मेरी आपको ये रहेगी कि आप जर्मन लैंग्वेज कोर्स को स्टार्ट कर दें। अगर आपने इंडिया में जर्मन लैंग्वेज कोर्स नहीं किया हुआ है तो आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है कि आप अपने पहले सेमेस्टर से ही जर्मन लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट कर दें। कोशिश करें कि आपको यूनिवर्सिटी में ही कोई लैंग्वेज प्रोग्राम मिल जाए ताकि आप पहले सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकें। इनकेस अगर आपको यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं मिल पाता है तो आप खुद से भी जर्मन पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट है एग्जाम्पल के लिए डुओलिंगो, वहां पे जाके आप डेली बेस पे कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ से आपको काफी वर्ड्स के बारे में पता चलेगा और साथ ही साथ आप बेसिक ग्रामर भी सीख सकते हैं, जैसे अपना नाम बताना, मैं कहाँ से हूँ आदि इत्यादि। जर्मन लैंग्वेज सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपको आगे जॉब और पीआर में काफी हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो के एंड में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जॉब और पीआर के लिए मुझे लैंग्वेज सर्टिफिकेट ने कितना हेल्प किया। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप कि आप पहले सेमेस्टर में पार्ट टाइम जॉब के पीछे ना भागें। मैक्सिमम स्टूडेंट जो जर्मनी आ रहे होते हैं पढ़ने के लिए, वो एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि उस सिटी में पार्ट टाइम की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरा आपको यही सलाह रहेगी कि पहले सेमेस्टर में आप पार्ट टाइम के पीछे ना भागें। आपका जो अकाउंट है, जो ब्लॉक्ड अकाउंट है, उसमें आपने ऑलरेडी इतने पैसे डाले होते हैं जो आपके आराम से 9 महीने से लेके 1 साल तक चलेंगे, डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे भी, पर पहले सेमेस्टर के लिए आपको पार्ट टाइम के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप के पार्ट टाइम होते हैं जो कि आप एज ए स्टूडेंट कर सकते हैं। पहला सेमेस्टर एक फाउंडेशन सेमेस्टर की तरह होता है और इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले सेमेस्टर्स पे भी पड़ता है। तो अगर आप पहले सेमेस्टर को अच्छे से मैनेज करते हैं, उसमें अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपके पास काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एग्जांपल के लिए यूनिवर्सिटीज में जैसे स्कॉलरशिप का प्रोग्राम्स होते हैं या इरास्मस प्रोग्राम होता है, इरास्मस प्रोग्राम में आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके 1 या 2 सेमेस्टर पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका स्कोर इंप्रेसिव है तो ऑब्वियसली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए। साथ ही साथ अगर इसका हम दूसरी तरफ देखें, अगर आपका पहले सेमेस्टर में अच्छा स्कोर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको आने वाले सेमेस्टर में दिक्कत होगी, इसीलिए आप पहले सेमेस्टर में जो मैंने आपको 3 टिप्स दिए उनको आप फॉलो करें, उन पे आप ध्यान दें। सबसे पहले आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ना लें, जो कंपलसरी सब्जेक्ट आपको यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है आपके सेमेस्टर में, आप उन्हीं पे ही फोकस करें, कोशिश करें उनमें अच्छे से अच्छा स्कोर लाने के लिए। दूसरा,
आप जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर दें। लैंग्वेज एक लंबा प्रोसेस है, टाइम लगता है लैंग्वेज को अच्छे से उस पर पकड़ बनाने के लिए, तो इसलिए जरूरी है कि आप स्टार्टिंग में ही पहले सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दें। और तीसरा, पार्ट टाइम जॉब के पीछे ना भागें। पहले सेमेस्टर के बाद आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है कि पढ़ाई का क्या लेवल है और साथ में जो एग्जाम है उसका क्या लेवल है। आगे बढ़ने से पहले हम अभी क्रेडिट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए टोटल 120 क्रेडिट पॉइंट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। इनमें से जो 30 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं ये आपको मास्टर थीसिस से मिल जाते हैं, और जो बचे हुए 90 क्रेडिट पॉइंट्स हैं ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, एक्सपेडिशन वगैरह से आप गेन कर सकते हैं। क्रेडिट पॉइंट सभी सब्जेक्ट के लिए एक जैसे नहीं होते। कुछ सब्जेक्ट के क्रेडिट पॉइंट ज्यादा होते हैं, 5, 6 या 10 तक, और कुछ सब्जेक्ट्स के जो क्रेडिट पॉइंट होते हैं वो कम भी हो सकते हैं, 2 या 3। यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो ये है कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो इतने नहीं होते कि आप उन्हीं से ही 90 क्रेडिट पॉइंट्स कंप्लीट कर सको, जिसकी वजह से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप किस टॉपिक में आगे मास्टर थीसिस करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी या कोर्स की खुद की भी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अलावा लेट्स से आपको कोई नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना है या कोई नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो अगर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लैंग्वेज पढ़े। तो यहाँ से आपका डबल एडवांटेज है, आप लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं साथ ही साथ आपको उसके क्रेडिट पॉइंट भी मिल रहे हैं। तो जो ओवरऑल डिग्री होती है उसमें सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होते हैं, आपको उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, और साथ में आपको जो आपके कोर्स या यूनिवर्सिटी की कोई अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट है डिग्री कंप्लीट करने के लिए तो वो सब्जेक्ट्स या प्रोजेक्ट्स या एक्सपेडिशन, और अगर मान लीजिए इंटर्नशिप कंपलसरी है तो आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। तो अब आप आराम से कोरिलेट कर सकते हैं कि क्यों मैंने कहा था कि पहले सेमेस्टर में कंपलसरी सब्जेक्ट पे ही ध्यान दें, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट तो आपको वैसे भी पढ़ने ही है, इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप कंपलसरी सब्जेक्ट पे ध्यान दें। तो अब आप सेकेंड सेमेस्टर में डिसाइड करें कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और आप अकॉर्डिंगली अपने इन सब्जेक्ट को सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के बीच में डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको किस सेमेस्टर में, यानी समर या विंटर सेमेस्टर में अवेलेबल है। तो अब हम लोग बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब की। हम लोग एक साल के अंदर 120 फुल डेज या फिर 240 हाफ डे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम नॉन EU और EA स्टूडेंट्स हैं। ये बात आपके वीजा पे भी लिखी होती है, तो प्लीज ध्यान रखें कि आप एक साल के अंदर 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज काम कर सकते हैं। एक फुल डे 8 घंटे के बराबर होता है। अगर आप इससे ज्यादा काम करते हैं तो आप ट्रबल में आ सकते हैं। हालांकि हर एक सिटी में एक आर्गुंटर फॉर आरबाइट करके होता है, वहां जाके अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। पार्ट टाइम आपको अपॉर्चुनिटी देता है अपने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए पढ़ाई करते टाइम। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखें कि जब आप पार्ट टाइम करें तो कोशिश करो कि आपकी जो जॉब है वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, जैसे कि हीवी। इनकेस अगर आपकी जॉब जो है वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है तो कोशिश करो कि जो जॉब है वो आपकी पढ़ाई पे ज्यादा इम्पैक्ट ना डाले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पार्ट टाइम के चक्कर में क्लासेस ही अटेंड नहीं कर पा रहे, कि जो पार्ट टाइम है वो आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए है, आप पढ़ इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि आपको पार्ट टाइम करनी है। तो इस डिफरेंस को आप ध्यान में रखें। इसके अलावा जो अगला पॉइंट पे मैं ध्यान देना चाहूंगा वो है लैंग्वेज का। फिर से जर्मन लैंग्वेज को आप कंटिन्यू करें, आप पढ़ते रहें। आपका फोकस होना चाहिए कि आप जब डिग्री कंप्लीट करें तो आपके पास एटलीस्ट B1 लेवल का सर्टिफिकेट हो। तो जो जर्मन लैंग्वेज है वो A1, A2, B1, B2 इस तरीके के लेवल्स होते हैं, तो एटलीस्ट B1 तक आप कंप्लीट कर लें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंटर्नशिप के बारे में। कुछ कोर्सेज में इंटर्नशिप कंपलसरी होती है, तो वहां पे तो आपको इंटर्नशिप करनी करनी है और वहां पे इंटर्नशिप मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, बट कुछ कोर्सेज में इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं होती है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इंटर्नशिप जरूर करें। इंटर्नशिप आप चाहे तो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे मैक्स प्लैंक या फिर किसी कंपनी में कर सकते हैं। इंटर्नशिप करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको एक तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम किया जा रहा है, और दूसरा आपको जर्मन वर्क कल्चर के बारे में भी पता चलता है। यहाँ पे मैं एक बात पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऐसा मैंने अक्सर होते हुए भी देखा है कि लोग 2-3 इंटर्नशिप्स करते हैं। मेरे हिसाब से इतनी इंटर्नशिप्स करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी इंटर्नशिप 3 से 6 महीने के बीच की है तो आई थिंक वो एक इंटर्नशिप भी काफी है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं है
तो जो मैंने आपको पहले बताया था 120 दिन फुल डे और 240 दिन हाफ डे, तो यहाँ पर भी वो चीज वैलिड होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप जो होती है वो पेड होती है। इन केस अगर आपको कोई पेड इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो भी आप इंटर्नशिप करें भले वो अनपेड हो। 90 क्रेडिट पॉइंट कंप्लीट हो गए, हमने इंटर्नशिप भी कर ली। अब हम आते हैं डिग्री के लास्ट पड़ाव पे जो कि है मास्टर थीसिस। अगर आप आगे जॉब करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, दोनों ही केस में जो आपका टॉपिक रहेगा मास्टर थीसिस का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए मास्टर थीसिस करते टाइम अपने टॉपिक को बहुत ही वाइजली चूज करें। यहाँ पे मैं आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। पहला, इनकेस अगर आप मास्टर थीसिस यूनिवर्सिटी के बाहर कर रहे हैं, मान लीजिए किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी में कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो टॉपिक आपने लिया है वो आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ अलाइन हो, यानी कि जो आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो एग्री करें। अदरवाइज होगा ये कि अगर आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उसको अप्रूव नहीं किया तो जो भी टाइम आपने वहां पे स्पेंड किया है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक को लेके आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात करें और अप्रूवल लें। दूसरा, जब आप मास्टर थीसिस लिख रहे हैं तो आप ध्यान रखें ग्रामर का। ऐसे बहुत से केस होते हैं कि जब हम मास्टर थीसिस लिखते हैं और जब उसको हम अपने सुपरवाइजर्स को भेजते हैं चेक करने के लिए तो वो बहुत सारी मिस्टेक्स निकाल के देते हैं, तो इसको अवॉइड करने के लिए बेटर ये रहेगा कि आप कोई एक ऐप डाउनलोड करें जो आपकी ग्रामर चेक करे, और यहाँ पे आप कोशिश करें कि आपके मास्टर थीसिस जो है उसमें कोई भी स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्लैगरिज्म का। आपकी मास्टर थीसिस में किसी भी तरह का कोई भी प्लैगरिज्म नहीं होना चाहिए, तो आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें कि अपने किसी सीनियर की मास्टर थीसिस उठाई, उसमें कुछ वैल्यू चेंज की और वही का वही आपने सबमिट कर दिया। या फिर मान लीजिए अगर आपने किसी बुक या किसी आर्टिकल को आपने यूज किया तो आप ध्यान रखें उसको आप अपनी रेफरेंस लिस्ट में जरूर डालें, उसको आप भूले ना, अदरवाइज ये भी प्लैगरिज्म में काउंट होगा। ध्यान रखें प्लेगरिज्म एक बहुत ही सीरियस मैटर है। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि थीसिस आपको दोबारा करनी पड़ सकती है। अब मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने मास्टर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑटो फॉन ग्योरिक यूनिवर्सिटी मैग्डीबर्ग में अक्टूबर 2013 में एनरोल किया था। मैंने अपने पहले सेमेस्टर में सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट पे ही ध्यान दिया था, मैंने कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं की थी और लैंग्वेज मैंने खुद से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैं इंडिया में कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं किया था, तो इसीलिए जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था मैंने पहले सेमेस्टर से लैंग्वेज को पढ़ना शुरू कर दिया था। सेकंड सेमेस्टर में मैंने अपने एक रोड मैप प्लान किया था जिसमें मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज किया था कि मुझे कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीट करने हैं। इसके अलावा मैं एक फास्ट फूड फ्रेंचाइजी में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि मेरे मैक्सिमम वीकेंड जो है वो पार्ट टाइम में ही निकले हैं। थर्ड सेमेस्टर के बाद मैंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप की और फिर उसी इंस्टीट्यूट में सेम टॉपिक पे मैंने मास्टर थीसिस कंप्लीट की। मैंने इंटर्नशिप 3 महीने की थी और मुझे मास्टर थीसिस कंप्लीट करने में 9 महीने लग गए थे, तो टोटल 1 साल का टाइम मेरे को लगा था। डिग्री कंप्लीट करते तक मैंने जर्मन लैंग्वेज का B2 सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया था और इसका मुझे 2 जगह एडवांटेज हुआ। पहला, जॉब। मैंने पहली कंपनी जिसमें जॉब के लिए अप्लाई किया था मेरा उसी में सिलेक्शन हो गया था क्योंकि मुझे जर्मन बोलने में और जर्मन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो मुझे इसका दूसरा एडवांटेज हुआ वो हुआ PR के टाइम पे, क्योंकि मेरे पास B2 लेवल का सर्टिफिकेट था तो इसीलिए मुझे ब्लू कार्ड पे 21 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ही PR मिल गया। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को स्वैप कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसमें आपके खराब ग्रेड्स आए तो आप उसके बदले कोई दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ें, और अगर उनमें आपके अच्छे ग्रेड्स हैं तो आप अपने फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में इन ऑप्शनल सब्जेक्ट को स्वैप कर सकते हैं। होगा ये कि जो सब्जेक्ट्स को आप कहेंगे कि ठीक है मुझे ये पॉइंट्स नहीं दिखाने हैं तो वो सब्जेक्ट के जो ग्रेड्स हैं वो आपके ओवरऑल ग्रेड्स में काउंट नहीं होंगे, वहां पे लिखा रहेगा कि आप उन्हें वो सब्जेक्ट पढ़े और आप उन सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। और जिन सब्जेक्ट्स में आपके अच्छे ग्रेड है वो ग्रेड आप यूज करें अपने ओवरऑल डिग्री को बेटर बनाने में। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये व्लॉग काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इसके अलावा मैंने 2 वीडियोस और बनाए हैं जिनमें मैंने स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर किया है और एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है मास्टर्स करने के लिए जर्मनी में उसके बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। दोनों वीडियोस के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने आने वाले हैं प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं और कौन सा कोर्स पढ़ने वाले हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब भी मैं सिटी में हूं तो मैं आप लोगों से जरूर मिलूं।
उम्मीद करता हूं कि आपको यह व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।